हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त काजोल। 21 जनवरी यानी कि शनिवार को हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। बेशक सुशांत हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी बहुत मिस करते हैं। बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हर कोई दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को बर्थडे विश कर उन्हें याद कर रहा था। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने भी उन्हें याद करते हुए थ्रोबैक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। सुशांत सिंह राजपूत की 37वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। रिया चक्रवर्ती के इस पोस्ट में उनकी और सुशांत सिंह राजपूत की थ्रोबैक तस्वीरें मौजूद है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की इन फोटो को आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। रिया चक्रवर्ती ने इन तस्वीरों के कैप्शन में इन्फिनिटी प्लस वन लिखा है। साफ तौर पर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती ने अनोखे अंदाज में सुशांत सिंह राजपूत को बर्थडे विश करते हुए इन अंतिम तस्वीरों को शेयर किया। सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की इन फोटो को काफी पसंद किया गया। इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती के इस लेटेस्ट पोस्ट के बाद एक बार फिर से रिया और सुशांत सिंह राजपूत का नाम चर्चा का विषय बन गया। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर रिया चक्रवर्ती का नाम काफी उछला था। सुशांत की फैमिली ने उनकी खुदकुशी का जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती को ठहराया था, जिसके चलते रिया को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। हालांकि उसके बाद भी कई मौकों पर रिया सुशांत के लिए अपने दिल में प्यार को जाहिर करती चली आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। फिटनेस के मामले में वो इंडस्ट्री की बाकी हसीनाओं को भी मात देती हैं। दिशा पाटनी एक बेहतरीन डांसर भी हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने किलर डांस मूव से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। दिशा ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा डांस किया जिसे देखकर आपका भी झूमने का मन कर जाएगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि दिशा पाटनी पुष्पा द राइस के गाने ओ अंचावा पर धमाकेदार डांस कर रही है। इस गाने को समांतर रुद्र प्रभु पर फिल्माया गया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। दरअसल दिशा ने परफॉर्मेंस FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप पर किया था, जिसका वीडियो इंटरनेट पर छा गया। इसके अलावा दिशा ने सीटी मार और मंगल जैसे गानों पर भी धमाकेदार डांस किया। वीडियो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की शॉर्ट स्लीव ड्रेस में नजर आ रही हैं। उनके डांस करने के स्टाइल पर फैंस फिदा हो गए हैं। मालूम हो कि हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से शुरू हुआ है। इसमें दिशा पाटनी के अलावा रणवीर सिंह, प्रीतम के पॉप और ब्लैक स्वान परफॉर्म कर चुके हैं। मालूम हो कि दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर अक्सर बिकनी में या फिर मोनोकनी में अपनी हॉट फोटोज पोस्ट करती हैं, जिसे उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी बिकनी में एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर NTR किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। जूनियर NTR ने फिल्म RR से सबको जीत लिया है, या ये कहें कि सबके दिलों पर वो राज कर रही है। अगर आप जूनियर NTR के फैंस हैं तो आपके लिए गुड न्यूज आ रही है। ऑस्कर 2023 के लिए फिल्म RRR के बाद अब जूनियर NTR का नाम चर्चा का विषय बन गया है। खबर है कि 95th ऑस्कर अवार्ड में जूनियर NTR को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया जा सकता है। इंग्लिश वेबसाइट USA Today की खबर में दावा किया गया है कि आने वाले ऑस्कर अवार्ड 2023 में जूनियर NTR के नाम को बेस्ट एक्टर कैटेगरी के दावेदारों में चुना जा सकता है। इस रेस में फिलहाल जूनियर NTR का नाम भी शामिल है। फिल्म RRR में भारत के स्वतंत्रता सेनानी अंगसंग वॉरियर कोमाराम भीम के किरदार को अदा करने के लिए जूनियर NTR के नाम पर चर्चा चल रही है। हालांकि इस मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि ऑस्कर अवार्ड्स कमेटी की फाइनल अनाउंसमेंट के बाद ही की जाएगी, लेकिन जूनियर NTR के फैंस के लिए वाकई खुशी का पल है। इससे पहले वैरायटी वेबसाइट भी फिल्म RRR के लिए जूनियर NTR के रोल को लेकर ऑस्कर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन के दावेदार के तौर पर जिक्र कर चुकी है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।